इंदिरापुरा थाने में हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि इंदिरापुरम थाने में हंगामा हुआ है। मृतक के परिजन ये हंगामा कर रहे हैं, परिजन कर रहे हैं कड़ी कार्रवाई की मांग। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हुई थी, जिसके बाद ये जो अभिभावक हैं उनके जो माता पिता हैं वो लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनके रिश्तेदार पहुंचे हैं यहाँ पर, और थाने के अंदर जब अपने कब्जे में ले रखा है। इसके बाद भी जो यहाँ के उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके घर के लोग हैं, वो आकर यहाँ पर थाने में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कनावनी के पुस्ता रोड के पास ये हादसा हुआ था। तो ये हमारे सहयोगी अनिल चौधरी जुड़े हैं इस पूरे मामले पर। अनिल, ये हादसा हुआ, हादसे की वजह कुछ पता चल के आई? जिस प्रकार से अभी तक बात ये सामने आई है कि जो पुलिस है उसने महिला ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या युवकों के साथ कैसे ये हादसा हुआ था? देखिए, ये बीती रात का ये मामला है, जब ये युवती गाड़ी को तेज रफ्तार से ले जा रही थी, जब ये हादसा हुआ। ये 3 लोग अपने विजयनगर के लिए घर के लिए जा रहे थे, काम कर लौट रहे थे, तभी पीछे से गाड़ी आई और अचानक उनको, ये भी बताया गया है, जो महिला था उसको दिख नहीं पाई, लोग रास्ते में साइड में ही चल रहे थे, तभी अचानक पीछे से टक्कर लगी, जिसके चलते इन 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी। जी अनिल भाई, अगर देखा जाए तो अभी बात केवल यही आ रही है कि महिला ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, तो क्या इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है इस पर? देखिए, इस पूरे मामले को लेके परिजन नाखुश दिखाई दे रहे हैं और परिजन सैकड़ों की तादाद में आज इंदिरापुरम थाने का घेराव किया गया है, और साथ ही आपने विजुअल में देखा होगा किस तरीके से लोग जाम लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल वहां पर मौके पर पहुंच गया है। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।